जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड वेल एंड गुड। सो टुडे आवर वीडियो इज अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज की जो हमारी वीडियो है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। यानी आपको मैं ये बताऊं कि हर टेंस के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए, तो फिर आप आसानी से समझ जाएंगे। पहला आइडेंटिफिकेशन यानी उसका पहचान, और दूसरा उसका हेल्पिंग वर्ब। ये दो चीजें टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये दो चीजें अगर आपको पता चल जाए तो फिर आप कोई भी जुमला आसानी से बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल, सीखेंगे पॉजिटिव फार्मूला, नेगेटिव फार्मूला, इंटरोगेटिव फार्मूला और इसके हेल्पिंग वर्ब्स और डिफिनेशन तारीफ सीखते हैं। तो बिना वेस्ट के टाइम हम चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन पहचान है, रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे। इसका डिफिनेशन तारीफ है, वी यूज दिस टेंस फॉर कंटिन्यूअस एक्शंस ऑफ फ्यूचर। हम इस टेंस को यानी इस जमाने को मुस्तकबिल के जारी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी वो कामें जो मुस्तकबिल में जारी हो तो उनको जाहिर करने के लिए हम अपनी यानी बोलचाल में अगर जाहिर करना चाहें तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन बहुत इजी है, इजी ट्रिक में सीखेंगे। तो चलिए, तो इसका पॉजिटिव फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जहां भी कंटिन्यूअस टेंस आए तो आप समझ जाए कि उसके उसके साथ आपने लाजमी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी इस्तेमाल करने हैं। चाहे वो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, आईएनजी लाजमी इस्तेमाल करना है। तो आप बनाते हैं एक एग्जांपल जुमला पॉजिटिव। शी विल बी making tea, वो चाय बना रही होंगी। यानी वो चाय बना रही होंगी, यानी अभी हम मुस्तकबिल के जारी काम को इस यानी जाहिर करते हैं इस टेंस में। अभी इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी, उसके बाद बी आते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी आते हैं, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। अभी जुमला बनाते हैं नेगेटिव। शी विल नॉट बी मेकिंग टी। शी विल नॉट बी मेकिंग टी, वो चाय नहीं बना रही होंगी। यानी वो मुस्तकबिल में चाय नहीं बना रही होंगी, वो शायद बैठी होंगी, ऐसी आप सोच रहे होंगे कि वो मेरे लिए चाय बनाएंगी। तो अब चलते हैं इंटरोगेटिव फार्मूला। इंटरोगेटिव फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आते हैं और उसके साथ क्वेश्चन मार्क लाजमी है। तो बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव भी बनाते हैं। विल शी बी मेकिंग टी, क्या वो चाय बना रही होंगी। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम सवालिया यानी सवाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस, सो फॉर दैट वी यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा। ये लाजमी रखे, चाहे आप याद रखे कि चाहे आप कोई भी सेंटेंस बना टेंस इस्तेमाल करते हैं यानी जुमला बनाते हैं इंटरोगेटिव, तो उसमें आपने लाजमी पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लास्ट में फिर दोहराते हैं, आज की इस वीडियो में हमने सीखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे। इसका डिफिनेशन था, वी यूज इट फॉर कंटिन्यूअस एक्शंस ऑफ फ्यूचर। इस टेंस को, इस जमाने को हम मुस्तकबिल के जारी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका पॉजिटिव एग्जांपल था, शी विल बी मेकिंग टी, वो चाय बना रही होंगी। इसका नेगेटिव था,
एग्जाम्पल शी विल नॉट बी मेकिंग टी, वो चाय नहीं बना रही होंगी. इंटरोगेटिव फॉर एग्जाम्पल था विल शी बी मेकिंग टी, क्या वो चाय बना रही होंगी. तो आपके मुंह में हर टाइम चाय ही चाय है क्योंकि सर्दियां हैं. तो उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू.